बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। सोनिया राहुल समेत 9,300 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो दो उम्मीदवार मैदान में हैं, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, जिनकी किस्मत आज मत पेटियों में बंद हो जाएगी। कांग्रेस के डेलीगेट दोनों नेताओं के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी, जो दिल्ली से डेलीगेट हैं, ये सभी कांग्रेस मुख्यालय में मतदान करेंगे। यूपी से डेलीगेट बने राहुल गांधी समेत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करीब 40 डेलीगेट संगना कल्लू कैंप में वोट करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में, जबकि शशि थरूर त्रिवेंद्रम में मतदान करेंगे। करीब 9,300 डेलीगेट मतदान करेंगे, जो जिस राज्य में डेलीगेट है उसी राज्य के पार्टी दफ्तर में वोटिंग करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के बाद सभी मतपेटियों को दिल्ली लाया जाएगा और 19 अक्टूबर को नतीजे की घोषणा होगी। इससे पहले साल 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, जिसमें राहुल गांधी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे।